चलिए डियर स्टूडेंट, आपका अगला जो टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का वो है बियरस्टेन थ्योरी। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक, इससे पहले हम आपको कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को डिफाइन करने के लिए दिए हुए थे। दूसरा हमारा जो टॉपिक है बियरस्टेन थ्योरी, तो बियरस्टेन थ्योरी किस पर्पज से दिया गया पहले उस पर आपने देखे। थ्री मेंबर्स साइक्लो एल्केन है, साइक्लोप्रोपेन। फोर मेंबर्स साइक्लो एल्केन दैट इज साइक्लोब्यूटेन। 5 मेंबर्ड साइक्लो एल्केन दैट इज साइक्लोपेंटेन। एंड 6 मेंबर्ड जो आपका साइक्लो एल्केन होता है, ये होता है भी आपका साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, तो इनमें से ये ऑब्जर्व किया गया कि जो 5 एंड 6 मेंबर्ड साइक्लो एल्केन होते हैं वो क्या होता है, आपके मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है, और 3 एंड 4 मेंबर्ड जो साइक्लो एल्केन होते हैं ये लेस स्टेबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो क्यों आपका 3 एंड 4 मेंबर साइक्लो एल्केन लेस स्टेबल होता है और क्यों 5 एंड 6 मेंबर साइक्लो एल्केन मोर स्टेबल होता है, इसको डिफाइन करने के लिए बेयर, ये केमिस्ट का नाम है, बेयर ने एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे भी है, एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे एक थ्योरी प्रपोज किया। उसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, बियर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। अब एंगल स्ट्रेन क्या होता है जानते हैं ना, एंगल स्ट्रेन है सपोज, जैसे देखिए कोई भी एटम है, सपोज कोई एक एटम, चलो हम कार्बन एटम की बात कर लेते हैं, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना है, sp3 है। कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन। तो यहां पे जो दो कार्बन से जो दो बॉन्ड होंगे, सपोज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, तो इन दो बॉन्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है 109.5 डिग्री का होना चाहिए, या 109.28 मिनट भी कहता है कोई। तो जो आपका दो सिग्मा बॉन्ड के बीच का एंगल है वो 109.5 डिग्री या 109.28 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ये एंगल बाय चांस आपका 109.5 से डेविएट कर गया, डेविएट कर गया मींस या तो कम हो गया या हो गया, हो सकता है बढ़ गया, तो उस समय आपका क्या होगा, इस बॉन्ड है तुम्हारा जो कंपाउंड में ये दो बॉन्ड के बीच में जो आपका क्या है, जो एक एंगल है, वो एंगल क्या चाहेगा, अपने आप को इतना रिटेन करना चाहेगा। ठीक है, इसलिए वहां पे एक स्ट्रेन क्रिएट होगा, तनाव पैदा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन। किस चीज के लिए हो रहा है, किस पर्पज से हो रहा है, अपने 109.5 डिग्री के एंगल को रिटेन करने के पर्पज से आपका क्या है, बॉन्ड एंगल में आपका क्या होता है, एक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, उसी स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका एंगल स्ट्रेन क्या होता है, नॉर्मल जो आपका एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है कहीं पे दो सिग्मा बॉन्ड के एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड के बीच का, उससे यदि आपका एंगल ज्यादा या कम हो गया तो आपका क्या होगा, वो अपने नॉर्मल एंगल को रिटेन करने के पर्पज से क्या कहता है, एक स्ट्रेन क्रिएट करता है मॉलिक्यूल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। उसी एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे बेयर ने ये डिफाइन किया कि ये क्यों ये लेस स्टेबल होते हैं और ये क्यों ये मोर स्टेबल होता है। ठीक है, देन अब इसके लिए देखिए उन्होंने अपनी जो थ्योरी प्रपोज की वो दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्रपोज किया। पहली उनकी कंडीशन थी कि सारे साइक्लो एल्केन्स कैसे होते हैं, आपके प्लेनर इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन प्रपोज किए, उन्हीं दो कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना थ्योरी प्रपोज किया। ठीक है, पहला कंडीशन क्या कहा उन्होंने, ऑल द साइक्लो एल्केन्स विल बी प्लेनर इन नेचर। दूसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि आपका जो साइक्लो एल्केन्स हैं, सारे के सारे जो आपके साइक्लो एल्केन्स हैं, उन्होंने कहा कि उन सब में जो नॉर्मल आपका क्या, सॉरी जो कार्बन एटम है, हर साइक्लो एल्केन में आपका जो कार्बन एटम, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है, दो सिग्मा बॉन्ड है तो दो हाइड्रोजन होंगे कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए सब में, तो आपका सब में आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कार्बन एटम का, तो सब में एंगल कितना होना चाहिए, 109.5 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपका क्या है, सब में आपका जो एंगल है होना इतना चाहिए था, लेकिन सब में, भले ही वो साइक्लोप्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, साइक्लोपेंटेन हो या साइक्लोहेक्सेन है, तो सब में उन्होंने कहा कि आपका कुछ ना कुछ आपका नॉर्मल बॉन्ड एंगल से आपका डेविएशन है। ठीक है, तो वो डेविएशन कितना है, उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला प्रपोज किया, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, डी से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू
109.5 माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि आपका ये इक्वेशन नंबर सपोज हम इसको वन कर लें, तो ये इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं किसमें कितना कितना एंगल ऑफ डेविएशन है। ये डेविएशन कैसे, देखिए दो सिग्मा बॉन्ड के बीच का एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कहीं पर भी, तो एंगल इतना होना चाहिए था, लेकिन सपोज आपका एंगल जैसे हम साइक्लोप्रोपेन में चलते हैं तो यहां पे एंगल कितना है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। यहां कितने का होता है 90 डिग्री का एंगल होता है, यहां 108.5 के आसपास का एंगल होता है, यहां 120 का एंगल होता है, ठीक है। तो दिख रहा है आपको सब में आपका जो एंगल है वह आपका नॉर्मल बॉन्ड एंगल से क्या है डेविएटेड, किसी में ज्यादा हो गया किसी में नॉर्मल से क्या हो गया कम हो गया, ठीक है। तो ये जो इनर एंगल दिख रहा है आपको फिलहाल जो मैंने लिखा है 60, 90, 108.5 और 120, ये अल्फा एंगल आपका, ठीक है, जो आपका साइक्लो एल्केन है उसका जो एक्चुअल जो इनर एंगल है वो कितना है अल्फा है। तो यदि हम 109.5 जितना होना चाहिए था उसमें से जितना है उसको यदि हम रिड्यूस कर लेंगे तो आपको क्या निकल जाएगा डेविएशन निकल जाएगा टोटल। जैसे सपोज यहां पे 60 है होना इतना चाहिए था, तो 109.5 माइनस 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 49.5 आ जाएगा ना यहां पे डेविएशन। अब ये 49.5 तो टोटल डेविएशन है, लेकिन आपका जो क्या है एंगल होगा उसमें डेविएशन वन साइड का देखेंगे ना आप, जैसे चलो एक को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वन बाय वन सभी का दे दो, ये देखिए ये होना इतना चाहिए था साइक्लोप्रोपेन में होना चाहिए था 109.5 का, लेकिन मिला कितना हमको 60 का एंगल क्या है इनर एंगल हमको ऑब्जर्व होगा, तो ये इनर एंगल इतना है लेकिन होना इतना चाहिए था। तो आपका डेविएशन टोटल कितना आ गया इसमें एंगल ऑफ डेविएशन डी इक्वल टू आपका इसमें से इसको 60 को रिड्यूस करेंगे तो 49.5 आएगा, लेकिन वो टोटल डेविएशन है, यहां इस साइड से भी डेविएटेड है इस साइड से भी डेविएटेड है, तो वन साइड का डेविएशन निकालने के लिए 1/2 कर रखा आपने, ठीक है ना। तो 1/2 का मतलब क्या है वन साइड का डेविएशन होल टोटल डेविएशन आपका इतना आएगा, ठीक है। तो वन साइड का कितना हो जाएगा 49.5 डिवाइडेड बाय 2 24.75 के आसपास, इतने डिग्री का आपका क्या है वन साइड डेविएशन है साइक्लोप्रोपेन में। चलो रिमेनिंग दो हाइड्रोजन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो। देन साइक्लोब्यूटेन की हम बात करते हैं, तो साइक्लोब्यूटेन में देखिए एच एच यह है, तो यहां इनर एंगल कितना है 90 डिग्री है और होना कितना चाहिए 109.5, इसको हटा दो, ये जो डॉटेड से हम दिखा रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है सर कि आपका इतना होना चाहिए था और इतना है, तो डेविएशन कितना हो गया 109.5 माइनस 90 इनर एंगल, तो 19.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज आपका 9.75 डिग्री का डेविएशन है, ठीक है। देन साइक्लोपेंटेन में आते हैं, देखिए यह है, यह साइक्लोपेंटेन में यह ना होना चाहिए था आपका कितना 109.5, तो थोड़ा सा डेविएटेड है इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन एक्चुअल मिला 108.5 का, ठीक है, सॉरी 108 होता है इसमें एग्जैक्ट है 108 डिग्री का आपका क्या है इनर एंगल दिखा, तो यहां डेविएशन कितना होगा इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 2.75 डिग्री का डेविएशन। साइक्लोहेक्सेन में आपका जो डेविएशन होना चाहिए था सॉरी एंगल होना चाहिए था वो कम होना चाहिए था, ये है अंदर को दिखाएंगे डॉटेड वाला, ठीक है, लेकिन एक्चुअल कितना मिला हमको 120 का, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो यहां पे आपका कितना 109.5 माइनस 120, तो माइनस में आएगा वैल्यू 5.25 टोटल आ जाएगा 5.25। अब डेविएशन प्लस माइनस से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू, ठीक। अब इन एंगल ऑफ डेविएशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपका जिसमें डेविएशन बहुत ज्यादा है जैसे इसमें या इसमें डेविएशन ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि वहां पे स्ट्रेन क्या होगा ज्यादा। अब किसी का नॉर्मल एंगल इतना है उसको आप डेविएट करके इतना कर दोगे या डेविएट करके बहुत ज्यादा कंप्रेस करके अंदर को क्या है फोल्ड कर दिया,
तो उसमें क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रेन रहेगा, तनाव रहेगा भैया। तो उन्होंने कहा जिसमें जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वहां उतना ज्यादा स्ट्रेन। तो उसके लिए फिर फर्दर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, एंगल स्ट्रेन विल बी प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन डी, ठीक है, इक्वेशन नंबर टू, ठीक हो गया। इसका मतलब जिसमें जितना ज्यादा डेविएशन वहां उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, ठीक है। स्ट्रेन होगा तो क्या होगा भैया, अनस्टेबल होगा। स्ट्रेन नहीं है तो स्टेबल होता है, स्ट्रेन होगा तो क्या होगा अनस्टेबल। तो यहां से स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एंगल स्ट्रेन, ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रेन वहां उतना कम स्टेबिलिटी, इक्वेशन नंबर थ्री। अब तीनों इक्वेशन को हम यदि कंबाइन करके चलें तो देखिए जिसमें जितना ज्यादा डेविएशन वहां उतना ज्यादा स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन आया कि भी आपका इन दोनों में डेविएशन एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है तो इसलिए इनमें एंगल स्ट्रेन भी क्या होगा ज्यादा होगा। एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी कम होगी, जो कि एक्सपेक्टेड था, तो उन्होंने ऐसे डिफाइन किया भी है। और इन दोनों में एंगल ऑफ डेविएशन क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है, माइनस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कम है तो आपका क्या है एंगल स्ट्रेन भी क्या होगा कम होगा, स्ट्रेन कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा ज्यादा होगा, जो कि आपका ऑब्जर्व था, ठीक है। तो जो ऑब्जर्व हमारा क्या है कंसेप्ट था कि ये लेस स्टेबल होता है ये मोर स्टेबल होता है, उसको बेयर ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका डिफाइन किया एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे बाय कंसिडरिंग ऑल द साइक्लोएल्केन टू बी प्लेनर, ठीक है। तो इसी क्या है कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अब ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर बोले तो क्या होगा, देखो सबसे कम डेविएशन किसमें साइक्लोपेंटेन में, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोहेक्सेन में, तो उसके बाद ये होना चाहिए, फिर साइक्लोब्यूटेन में, ये हो गया, फिर उसके बाद लीस्ट किसमें साइक्लोप्रोपेन में, तो ये लीस्ट स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया भैया। तो ये आपका कंप्लीट बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, लेकिन इस थ्योरी के दो ड्रॉबैक है जरा ध्यान दीजिएगा। पहला इसने कहा कि साइक्लोपेंटेन मोस्ट स्टेबल होता है, इसने कहा साइक्लोपेंटेन मोस्ट स्टेबल होता है, लेकिन वेरियस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसको हम डिफाइन करेंगे अगला चेयर कंफर्मेशन थ्योरी के। तो एक तो इसका ड्रॉबैक ये था कि ये डिफाइन नहीं कर पाया कि ये क्यों है मोस्ट स्टेबल, इसने कहा कि ये क्या है एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर है या एंगल ऑफ डेविएशन का ऑर्डर है, इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि सभी साइक्लोहेक्सेन्स कैसे होते हैं प्लेनर होते हैं, ठीक है, पूरी थ्योरी तो यही कंसिडर करते हुए चले कि आपका साइक्लोहेक्सेन्स ऑल द साइक्लोहेक्सेन्स आर प्लेनर, लेकिन केवल साइक्लोप्रोपेन प्लेनर नेचर का होता है, अदर सारे साइक्लोहेक्सेन्स कैसे होते हैं नॉन प्लेनर नेचर के होते हैं, जिसको ये एक्सप्लेन क्या है नहीं कर पाया, या यहां से आपका ये थ्योरी आपका फेल हुआ। तब अगली थ्योरी आती है हमारी सेच मोहर थ्योरी, या जिसको आप कहते हैं चेयर कंफर्मेशन थ्योरी, या इसी को आप क्या कहते हैं स्ट्रेनलेस थ्योरी ऑफ द साइक्लोएल्केन, ठीक है ना। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी, यह है बियर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। चलिए थैंक यू।